मेरे सारी सोनी सोनी यूट्यूब फैमिली कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। अच्छा जी ये देखिए जी, हम जो है ना नाश्ता करने लगे हैं, हमारी मीठी मीठी सुबह हो चुकी है और ये देखिए मज़ेदार से खाने, और ये खाने हमारे हैं कल की दावत के जो बच्चे हैं और हम अभी दोपहर में खाने लगे हैं। और निहारी मेरी इतनी ही मज़े की इतनी यमी बनी हुई है कि दूसरे दिन भी हमें बहुत मज़े की लग रही है, बहुत टेस्टी और माशाल्लाह। आई थिंक दूसरे दिन ही अच्छी लगती है। यस, और माशाल्लाह मैंने इतनी बनाई थी कि औरतों में भी दो डिशें गई थी और मर्दों में भी दो बार डिशें हुई हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी पसंद आई सबको, गेस्ट को बहुत मज़ा आया, बहुत टेस्टी खाना लगा गेस्ट को। तो बस दावत के जो क्लिप्स हैं वो मैं इसी व्लॉग में आगे आप लोगों के साथ सब करूँगी शेयर, क्योंकि मैं दावत के टाइम नहीं व्लॉग बना सकी, स्टार्ट नहीं कर सकी थी क्योंकि मैं उठते साथ ही जो है उसमें लग गई थी, दावत की तैयारी में लग गई थी। तो दोपहर में उठी और सीधा किचन में निहारी बनानी थी और ये चीज़ें पास्ता वगैरह मीठा वगैरह सब बनाना था। जो बाकी सारे जो खाने की क्लिप्स हैं वो दावत के बाद मुझे याद आया, मुझे व्लॉग तो मैंने बनाया ही नहीं। तो छोटे छोटे जो क्लिप्स हैं दावत के वो मैं आप लोगों के साथ, मेरे फ्रेंड्स जो आए थे उनके क्लिप छोटे छोटे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और इंजॉय कीजिएगा। यानी भी मेरी बहुत पसंद आई, गेस्ट को बहुत पसंद आई। मैं बालों में जी लगाने लगी हूँ हेयर मास्क, और हेयर मास्क में क्या क्या डाला है मैं अभी बताती हूँ। अच्छा जी, हेयर मास्क जो मैंने यहाँ बना के रखा हुआ है, मैंने इसमें दो मायनेस के चम्मच डाले हैं और दो दही के चम्मच डाले हैं और एक अंडा डाला है, ठीक है जी। ये तीन चीज़ें मैंने यहाँ मिक्स की हुई हैं। उससे पहले मैंने ये रोज़मेरी के जो है ना पत्ते मैंने पांडा से लिए थे, ये पांडा में सेल में लगी हुई थी तो मैंने उठा लिए थे। ये रोज़मेरी के पत्ते जो है ना मैंने रात में पानी में भिगो दिए थे और भिगोने के बाद उसमें मैंने थोड़ी सी चाय की पत्ती भी ऐड कर दी थी, तो उन रोज़मेरी के पत्तों ने और चाय की पत्ती ने सही कलर निकाला हुआ था। तो अभी मैंने इस बोतल में जो है ना ऐड करके ये पानी अपने बालों की जड़ों में लगाया है, ठीक है जी। जड़ों में लगा के मैंने रखा 13 मिनट्स, ठीक है। अभी मुझे आधा घंटा हो चुका है ये लगा के। अब मैं शावर लेने से पहले ये हेयर मास्क अप्लाई करूँगी अपने बालों में, फिर उसके बाद जी आधा घंटा रखूँगी फिर शावर ले लूँगी। बस ये हो गई जो है पूरे दिन में अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालने का जो है ना एक मकसद है, या बालों को दे दे टाइम या स्किन को दे दे टाइम या अपना कुछ वर्कआउट कर लें, तो अपने लिए लाजमी दिन में आधा घंटा निकाला करें। जल्दी जाओ बनाना दे कर आओ आप ही को, आप ही भी खाएगी, लेके जाओ आप ही को दे कर आओ, आप ही को बांट के आओ सारे बनानास। चलो सब एक एक ले लो मामा से। टाइम नहीं बच पाता है कि मैं ये चीज़ें तो टाइम बचाने के लिए फ्रीज़र कर रही हूँ, तो ताकि अहमद को भी टाइम दे दिया जाए और खाना भी आराम से बन जाए और खाना भी हेल्दी बने। इस तरह नहीं कि मैं नीचे रख दूँ और ये ग्रीन हो जाए और उसी में खाना बन रहा है, तो मुझे वहम लगा रहता है कि नहीं ग्रीन हुआ हुआ है तो मेरा दिल ही नहीं चाहता यूज़ करने का डालने का। तो बस अभी जो है ना इनको करूँगी फ्रीज़र, थोड़ा सा ये एक वीक चल जाएंगी और अभी ये जो है ना अभी के सालन में यूज़ होगा और अभी जो है ना ये होगा। मैंने धो के रखे थे तो ड्राई हो गए हैं, तो सोच रही हूँ इनको जो है ना बॉक्स में रख लूँ। ये बॉक्स मैंने उतैम मार्केट से लिया था जहाँ फ्रिज के जो है ना बहुत सारी डिशें रखी होती हैं, वहाँ से मैंने ये उठाया था। बाकी जो बच जाते हैं वो मैं फ्रिज में रख देती हूँ, फ्रिज का जो है ना जो एग्स का बॉक्स है वहाँ रख देती हूँ, बाकी यहाँ रख दी।
अल्हम्दुलिल्लाह बर्तन जितने थे धुल चुके हैं, टेबल भी बस सिमट गई है। अच्छा जी टेबल अभी मैं बर्तन धोने लगी हूँ। ये दावत के बाद के बर्तन हैं और ये दावत के बाद का जो है ना किचन का हुलिया, ये देखिए जी। और बस अभी मैं मिनटों में जो है ना इसको समेटूंगी और आप लोगों को दिखाती हूँ समेट के। लग गई और गेस्ट भी आ गए, खाना भी खा लिया, तब भी मुझे ब्लॉग की कोई तय वो नहीं आई कि मैं ब्लॉग भी शूट कर लूँ। अच्छा जी खाने में बनाई थी बिरयानी जो बहुत मजे की, जो कि गेस्ट को बहुत मजा आया, बहुत मजा आया उनको, बहुत टेस्टी लगी बिरयानी, उनका हाथ ही नहीं रुक रहा था। जब सुपरा लगाया था नहीं दिमाग में आया कि व्लॉग भी बनाऊं, क्योंकि मेरे बच्चे मैं हम सब जो है ना सुपरा लगाने में लगे हुए थे, दस्तरखान लगाने। और ये थी निहारी मैंने जो बनाई थी, वहाँ की आंटी कहनी थी बहुत मजे की, नासिया हाथ नहीं रुक रहा वाकई में। और सबने बहुत मजे से खाया और सभी ने तारीफें कर करके खाने की खाया। और आप लोगों को लग रही होगी शक्ल से निहारी कि कितनी मजे की बनी है। अच्छा जी साथ में था मीठा। अच्छा ये चीजें थी निहारी की, पास्ता बनाया था कीमे वाला पास्ता और सबको बहुत मजे का लगा। रशियन सलाद बनाई थी जो बहुत मजे की लगी सबको। ये सैलेड थी, रायता था जी। ये गिफ्ट आया है मेरी दोस्त हुमा की तरफ से और ये उन्होंने किया है जी, अदील का फेवरेट गिफ्ट आया है। अदील का फेवरेट गिफ्ट है। अदील आप ये कॉफी शॉप में ही रुके रहेंगे, किचन में सिर्फ आप लोगों को कॉफी बनते हुए दिखेगी। हुमा भाभी देख ले, ये सिर्फ आपको कॉफी बनते हुए ही दिखेगी। तो ये गिफ्ट आया है और एक और गिफ्ट है आयजा भाभी की तरफ से। ये आया है। अच्छा जी ये मेरा फेवरेट है। यस ये मेरा फेवरेट है। क्योंकि ये अदील साहब का फेवरेट, ये मेरा फेवरेट, क्योंकि मुझे किचन के बर्तन बहुत पसंद है। किचन और ऐसा सेट मेरे पास है भी है ना, ग्रे कलर में, ग्रे में इस कलर में नहीं। हाँ ये पिंकिश में है वो ग्रे में, जबरदस्त बहुत अच्छा है। जजाकल्ला खैर, अल्लाह ताला आप लोगों के रिस्कों में खैर बरकत दे। हमारी तरफ से आप सब लोगों का जजाकल्ला खैर। अच्छा जी ब्लॉग करेंगे यही खत्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके जी अल्लाह हाफिज़।